नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से कम आए हैं। पिछले एक दिन में देश में 1,96,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 3,511 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश में कुल सक्रिय मामले 25,86,000 से अधिक हो गए हैं और कुल मृतकों की संख्या 3,07,000 से अधिक हो चुकी है। पिछले एक दिन में देश में कुल दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के मामलों में से 60% मामलों के लिए 5 राज्य ही जिम्मेदार हैं। इन 5 राज्यों में तमिलनाडु में एक दिन में 34,867 मामले दर्ज किए गए, कर्नाटक में 25,000 से अधिक मामले आए, महाराष्ट्र में 22,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए तो पश्चिम बंगाल में 17,883, केरल में 17,821 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले एक दिन में दिल्ली में 1,550 नए मामले मिले और 207 लोगों की जान गई। इसके अलावा दिल्ली के अस्पतालों से जनरल वार्ड से बड़ी संख्या में लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। 10 मई से 22 मई के बीच अस्पतालों से जो लोग ICU में भर्ती नहीं थे वो 58% ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग ICU में हैं उनमें से केवल 11% लोगों को ही छुट्टी मिली है। 10 मई को ICU में 5,403 मरीज थे, जो कि 22 मई को 4,798 थे। हालांकि कुल सक्रिय मामलों में 67% की गिरावट आई है। पहले सक्रिय मामले जहां 84,000 के करीब थे वो अब 27,000 से कुछ अधिक हैं। कांग्रेस की कथित टूलकिट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग के मामले को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के कार्यालयों पर छापे मारे हैं। इनमें ट्विटर के दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम के कार्यालय शामिल हैं। बता दें, बीजेपी नेता संबित पात्रा के कांग्रेस टूलकिट के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में टैग करने पर सोशल मीडिया साइट पर विवाद के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया था। इसके बाद ही दिल्ली पुलिस की टीमें सोमवार शाम ट्विटर इंडिया के दफ्तर में पहुंची। पुलिस इनके दफ्तर में गई और उनके नोटिस का जवाब मांगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी एंटीगुआ से गायब हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उसके गायब होने की पुष्टि NDTV से की है। इस खबर के बाद भारत के साथ ही एंटीगुआ में भी हड़कंप मच गया है। मेहुल चौकसी 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था। एंटीगुआ की पुलिस ने उसकी तलाशी के लिए जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने भी कन्फर्म किया है कि चौकसी गायब है और उसके परिवार ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है वह इस मामले में पड़ोसी देशों की भी मदद लेंगे। एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ दिए गए बयानों के कारण इन दिनों मीडिया में चर्चाओं का केंद्र बने योग गुरु बाबा रामदेव के डेयरी बिजनेस का काम देखने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई। इनका नाम सुनील बंसल था और वह पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की डेयरी डिवीजन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। 57 साल के बंसल की मौत पर पतंजलि ने कहा है कि बंसल का इलाज एलोपैथिक दवाओं के जरिए चल रहा था। कोरोनिल और बाबा रामदेव पर जारी विवाद के बीच अब हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वो कोरोना के मरीजों में मुफ्त में 1,00,000 कोरोनिल बांटेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका आधा खर्च पतंजलि और इसका आधा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। बता दें, रामदेव अभी एलोपैथी पर विवादित टिप्पणियां करके फंस चुके हैं। कोरोनिल को लेकर भी IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने सत्य हिंदी पर कल कहा कि बाबा कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, दवाई के रूप में नहीं। हालांकि लोगों को दवाई ही बताई जा रही है। 26 मई को किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस दिन आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान 26 मई को काला दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान दिल्ली की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि हम गांवों, शहरों और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि एक प्रतिरोध का प्रदर्शन होगा। इस दौरान हम काली पगड़ी, दुपट्टे या काले कपड़े पहनेंगे। किसान अपनी छतों, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे और पंजाब के हर गाँव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर बाकी नियमों का पालन किया जाएगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार से दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 4 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक जैसे ही सुशील को लॉकअप में बंद किया गया वो रोने लगा।
लाइव हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया है। बता दें सुशील कुमार को उसके सहयोगी अजय के साथ रविवार को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद अब इन दोनों लोगों को दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में रखा गया है। चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद अब एक दूसरे तूफान यास ने तेजी पकड़ ली है। अगले 24 घंटे में इस तूफान के बंगाल और ओडिशा के तटों से गंभीर रूप से टकराने की आशंका है, जिसके कारण बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये आशंका जताई है कि ये चक्रवाती तूफान यास साइक्लोन अम्फान से ज्यादा तबाही मचा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।